तो दोस्तों फिर से आ गए आपके लिए नया जानकारी लेकर इस वीडियो में। तो गाइस आप भी वीडियो एडिटिंग करते हो या आप कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर हो तो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप YouTube चैनल क्रिएट किए हो तो आप अपलोड करते हो रेगुलर, तो आपको पता ही रहेगा ये बात। नहीं पता तो आप एक बार जान लीजिए गाइस, आप YouTube में या अदर कोई भी सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहते हो आपको खुद का कॉन्टेंट, तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्या का उसका अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाकर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा या किसी का म्यूजिक आप खरीद के आपको वीडियो में इनके में आप ऐड कर सकते हो आपको वीडियो में। लेकिन आपको पास पैसा नहीं फिर भी आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आपको आज के इस वीडियो में दो ट्रिक के बारे में बताऊंगा या दो टूल के बारे में बताऊंगा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। लेकर आप किसी भी सोशल मीडिया में या आपके एडिटिंग में या किधर भी आप अपलोड कीजिए आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको देखने मिलेगा। आप कॉपीराइट आएगा ही नहीं तो आप इस टूल के मदद से वेबसाइट से मान लीजिए या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। आपको पूरा जानकारी मिलने वाला आज के वीडियो में कि किस तरह से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आप ले सकते हो, आपको वीडियो में ऐड करके किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देखने को मिलेगा। आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो वो भी फ्री में, सिंपल में सिंपल तरीके से। क्या आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर एंड तक देखना। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है CPS टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वाच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो वाच कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक जानेंगे किस तरह से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके आपको वीडियो में ऐड कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते आज का टॉपिक। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपके पास जो भी ब्राउजर है सिंपली उस ब्राउजर को ओपन की फर्स्ट ऑन वेबसाइट ओपन कर दे कि कॉपीराइट म्यूजिक आपको देखने मिलेगा और किस तरह से डाउनलोड करते हैं चले जानेंगे वो वेबसाइट कौन सा है। तो आने वाले आपको सर्च बार देखने मिलेगा, सर्च बार में सिंपल में createmix.com टाइप करके सर्च कीजिए। देख सकते हो सर्च करने के बाद इस तरह से आपको वेबसाइट शो होगा, सिंपल में देख सकते हो, वेबसाइट का लोगो भी देख सकते हो, वेबसाइट का नाम भी सही तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये सर्च करने के बाद आपको फेक वेबसाइट भी देखने मिलेगा। आप यही सर्च कीजिए तो सिंपल में आपको वही वेबसाइट देखने मिलेगा। होने के बाद सिंपल में उस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, आप भी क्लिक कीजिए। देख सकते हो इस तरह से आ गए। आने के बाद आप डेस्कटॉप सेट ऑन नहीं किए तो डेस्कटॉप सेट ऑन कीजिए। तो चलिए मैं डेस्कटॉप सेट ऑन किया, डेस्कटॉप सेट ऑन करने के बाद देख सकते हो गाइस आपको कैटेगरी आपको देखने मिलेगा सिंपल में, इधर आपका जो भी कैटेगरी सिंपल में ले सकते हो। फिर इस टूल को कितना वेबसाइट कितना टूल कितना एप्लीकेशन सपोर्ट करता है आप इधर देख सकते हो गाइस। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक के लिए इतना सारा एप्लीकेशन ये टूल को सपोर्ट करता है। आपको लेना चाहते हो जो आपको म्यूजिक पसंद आएगा सिंपल में देख सकते हो। ऐसे नीचे आया तो आपको कैटेगरी भी देखने मिले, सब कुछ आपको देखने मिले सिंपल में फ्री में लेके आप आपका वीडियो में या आपका फोटो एडिटिंग में या वीडियो एडिटिंग में अपलोड कर सकते हो। तो चलिए होता है या डाउनलोड नहीं तो जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मान लीजिए मेरे को ये आप इसका अंदर ये कैटेगरी यही कैटेगरी चाहिए, सिंपल में वो कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हो उस कैटेगरी पे क्लिक करने में देख सकते हो आपको कितना सारा सॉन्ग आ गया। तो आप इस सॉन्ग का अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर सॉन्ग लेना चाहते हो पर्टिकुलर म्यूजिक लेना चाहते हो ले सकते हो, आप इधर से प्ले कर सकते हो। चाहे तो सिंपल में इस पर क्लिक किया तो भी आपको प्ले होता है। तो फॉर एग्जांपल के आपको दिखा देता हूँ कि प्ले होता है कि नहीं, तो सिंपल में मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हो इस म्यूजिक भी आप सुन लिए, तो आप डाउनलोड करना चाहते हो इस म्यूजिक को तो सिंपल में डाउनलोड कर सकते हो या इस म्यूजिक का लिंक लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन गाइस आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो ध्यान रखिए, ये क्रिएट मेंशन किए तो आप जाकर आपको कोई भी वीडियो या आप कोई भी चैनल या आपके पास कोई भी एक एप्लीकेशन या किधर भी आप यूज़ करना चाहते हो ये म्यूजिक को, तो आप एक बार देख लीजिए उसको डिस्क्रिप्शन में जाके या क्रिएट देना पड़ता है या नहीं वो देख कर ही आप डाउनलोड कीजिए। क्योंकि कुछ सॉन्ग ऐसा रहता है कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको उनको क्रिएट देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कॉपीराइट क्लैम्प आपको देखने मिलेगा। तो आपके हिसाब से देख सकते हो डिटेल। तो चलिए मेरे को ये ऊपर वाला सॉन्ग ही मेरे को चाहिए, तो सिंपल में ऊपर वाला इधर आपको डाउनलोड आइकन दिखता रहेगा सिंपल में। तो चलिए नेक्स्ट टूल कौन सा जानेंगे। तो दोस्तों सेकेंड ऑन वेबसाइट जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रोम ब्राउज़र में आइए। क्रोम ब्राउज़र में आने पर सिंपल में आप इधर टाइप कर सकते हो नॉन कॉपीराइट साउंड्स NCS टाइप करें सर्च कीजिए। सर्च करने पर देख सकते हो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने मिले सिंपल में NCS.IOB टाइप कर सकते हो।
तो आप ये सबसे जो टाइप करके सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो। होने के बाद आप डेस्कटॉप सेट ऑन कीजिए। डेस्कटॉप सेट ऑन करने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होम पेज में साइनिंग अप करने का ऑप्शन आता है। सिंपल में साइनिंग अप करना चाहते हो साइनिंग अप कर लीजिए। तो आपको डाउनलोड करना है तो साउंड तो साइनिंग अप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आपको डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके सब साइनिंग अप करना चाहते हो कर सकते हो। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। देखते देखते ऊपर आपको देखने मिले कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी सिंपल में सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो, या इधर कैटेगरी सर्च किया हुआ ऑलरेडी तो आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। देखते देखते आपको उधर सर्च करना चाहते हो तो सिंपल में आप जो भी सर्च करना चाहते हो सिंपल में टाइप कीजिए, जो भी सर्च करना चाहते हो आपके हिसाब से कैटेगरी सर्च कीजिए। होने बाद देखते देखते आपको इधर ऑप्शन देखने मिले दो ऑप्शन, तो सिंपल में इस दो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन पर क्लिक करने बाद देख सकते हो इधर इस कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी चाहिए तो किसके रिलेटेड चाहिए सॉन्ग, तो आप आपके उसके रिलेटेड ऑप्शन क्लिक कीजिए। होने फिर उसका ऊपर का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऊपर का ऑप्शन पर देख सकते हो आपके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, आपके हिसाब से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। आपको जो बेस चाहिए तो आपके हिसाब से देख सकते हो इधर ऑप्शन देखने मिला जो आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। होने पर देख सकते हो इधर आपको और एक ऑप्शन देखने मिले, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देख सकते हो इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर देख सकते हो इसको आपको अलग अलग कैटेगरी देखने मिलेगा, मतलब इस वेबसाइट में कितना लोग ऑलरेडी सॉन्ग अपलोड किए या म्यूज़िक अपलोड किए सबका इधर नाम के साथ आपको देखने मिलेगा। देख सकते हो नाम दिखेगा, उनका प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, जो फोटो रखेगा उनको दिखाएगा, नहीं रखे हो उनको नहीं दिखाएगा। देख सकते हो 15 प्लस आपको सॉन्ग्स है, तो आप जैसा क्लिक करते जाएंगे वैसा क्लिक होता जाएगा तो आप बहुत सॉन्ग इसको ले सकते हो। ये आने बाद देख सकते इधर आपको कोई भी पर्टिकल का पर्सन का सॉन्ग चाहिए म्यूजिक चाहिए तो सिंपल में आप इधर सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो। इस टूल में अवेलेबल है तो वो ओपन होकर आता है। होने बाद देख सकते हो इस ऑप्शन पर सिंपल में क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद जो भी पर्टिकल आप इधर सर्च करना चाहते हो उस बंदा का पूरा सॉन्ग चाहिए तो सिंपल में ए टू जेड टाइप किया तो सिंपल में जो भी इस वेबसाइट में कितना भी अवेलेबल है उस पर्सन का नाम का म्यूजिक तो सब आपको देखने मिलेगा, तो आपके हिसाब से देख लीजिए। होने बाद देख सकते इधर ऑप्शन देखने मिले, सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पर क्लिक करने बाद गाइस आपको उस पर्सन का सॉन्ग कितना साल का पुराना चाहिए या नया चाहिए सब कुछ इधर आपको डेट मिलेगा। आपके हिसाब से जो भी डेट सेलेक्ट करके लेना चाहते हो सिंपल में डेट सेलेक्ट करके लीजिए। होने के बाद सिंपल में आप मान लीजिए आपको कोई भी एक सॉन्ग लेना है, सिंपल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस तरह से आगे आने के बाद आप सॉन्ग प्ले करके इधर सुनना चाहते हो सुन सकते हो। बाद में इसको डाउनलोड करना है, सिंपल में देख सकते हो एरो है, सिंपल में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। गाइस फ्री का है तो सिंपल में यूज़ कीजिए। तो गाइस ये दोनों वेबसाइट फिलहाल के लिए फ्री है, यूज़ कीजिए। तो गाइस इस टूल के अंदर का कोई भी म्यूजिकल पार्टिकल लेकर आपका कोई भी वीडियो में ऐड करके आप अपलोड कर रहे हो आपका कॉपीराइट आ रहा है, तो आप इसके लिए आपको पहला क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी आपको क्रेडिट दिया तो आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ये माना जाता है। तो आप पहले आपको वीडियो में आप कोई भी एक चैनल है आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल में आप वीडियो में आपको ये म्यूजिक ऐड कर रहे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर क्रेडिट देना, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आपको देखने मिलेगा। तो सिंपल में आप कॉपीराइट फ्री इस तरह से म्यूजिक लेकर आप आसान तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इस टूल के लिए फिलहाल के इतना ही। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कीजिए इस टूल को कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेकर, आप किधर भी अपलोड करना चाहते हो या किधर आपका वीडियो में ऐड करना चाहते हो या सिंपल में एडिटिंग में बैकग्राउंड लगाना चाहते हो आप कुछ भी कर सकते हो इस म्यूजिक के साथ। तो सिंपल में आप किसी वीडियो में ऐड करना चाहते हो या किधर भी ऐड करना चाहते हो सिंपल में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है तभी क्रेडिट फ्री म्यूजिक माना जाता है। कुछ टूल ऐसा है गाइस आप नीचे जाके पढ़ सकते हो उसका पूरा डिटेल। इस म्यूजिक का डाउनलोड कर किया तो आप पर्टिकुलर म्यूजिक का आप कॉपीराइट फ्री भी कुछ सॉन्ग कॉपीराइट फ्री भी मिलेगा, कुछ सॉन्ग आपको क्रेडिट देने के लिए बोलेगा। तो सिंपल में आप वीडियो यूट्यूब चैनल चलाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका बारे में जानकारी दीजिए, या आप यूट्यूब चैनल चलाते हो या यूट्यूब प्रोफाइल पेज चलाते हो तो आप उधर जाकर आप उसका कमेंट सेक्शन में या उधर अबाउट सेक्शन में जाकर आप उनके बारे में मेंशन कीजिए। तो सिंपल में इस तरह से आप डाउनलोड करके आप किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहते हो अपलोड कर सकते हो, अपलोड करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो पता चला तो पैरासाइट लाइक कर सकते हो। ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आप इस टूल के मदद से इस ट्रिक्स के मदद से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी ले सकते हो, या आपको वो पसंद नहीं आता तो यूट्यूब लैब में जाके भी आप ले सकते हो। तो कुछ नहीं गाइस सिंपल में NCS टाइप करके सर्च कर दीजिए, सर्च बार में आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देखने मिलेगा, आप वो भी यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का ही ये चैनल है तो आपको म्यूजिक का ही लैब
सॉन्ग्स आता है या आप म्यूजिक मान लीजिए, उस म्यूजिक आप किसी भी वीडियो में ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हो, आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देखने मिलेगा। कल के लिए इस टूल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।